नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पोविटॉप गार्गल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, पोविटॉप गार्गल का उपयोग कैसे करना चाहिए और पोविटॉप गार्गल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि पोविटॉप गार्गल का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पोविटॉप गार्गल एक एंटीसेप्टिक दवा है जो उन सभी वायरस, फंगी और बैक्टीरिया को मारती है जो इन्फेक्शन पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। पोविटॉप गार्गल का उपयोग मुंह और गले में इन्फेक्शन होने पर या इन्फेक्शन को होने से रोकने के लिए पोविटॉप गार्गल का उपयोग किया जाता है, जैसे दांतों या मसूड़ों में इन्फेक्शन होने पर, मुंह में अल्सर होने पर, टॉन्सिलाइटिस होने पर और मुंह में छाले होने पर पोविटॉप गार्गल का उपयोग किया जाता है। पोविटॉप गार्गल को दांतों के प्रोसीजर, मुंह की सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए और इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर पोविटॉप गार्गल का उपयोग करने की सलाह दे सकते हैं। मुंह के अंदर कोई चोट लगने पर या मुंह के अंदर कोई घाव होने पर भी आपका डॉक्टर पोविटॉप गार्गल का उपयोग करने की सलाह दे सकता है, क्योंकि पोविटॉप गार्गल रिकवरी प्रोसेस को तेज कर देती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि पोविटॉप गार्गल का उपयोग कैसे करना रिकमेंडेड होता है। 5 मिलीलीटर से लेकर 10 मिलीलीटर पोविटॉप गार्गल के सॉल्यूशन को आपको एक कप में डाल लेना चाहिए, और आपने जितनी मात्रा में पोविटॉप गार्गल के सॉल्यूशन को लिया है उतनी ही मात्रा में उसमें पानी मिला लेना चाहिए। पानी मिलाने के बाद उस सॉल्यूशन को मुंह में अच्छी तरह से कम एक मिनट के लिए घुमाना चाहिए, और उसके बाद आपको उस सॉल्यूशन को बाहर की तरफ थूक देना चाहिए। ऐसा आपको दिन में 3 से 4 बार करना चाहिए, या आपके डॉक्टर ने जितनी बार ऐसा करने के लिए कहा है उतनी बार पोविटॉप गार्गल का उपयोग करना चाहिए। आपको पोविटॉप गार्गल से मुंह को साफ करने के बाद 30 मिनट तक कुछ खाना या पीना नहीं चाहिए और न ही स्मोकिंग करनी चाहिए। पोविटॉप गार्गल को अंदर की तरफ निगलना नहीं चाहिए। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में पोविटॉप गार्गल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में पोविटॉप गार्गल की वजह से मुंह के अंदर जलन व खुजली हो सकती है। पोविटॉप गार्गल का उपयोग करते समय बस आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पोविटॉप गार्गल को अंदर की तरफ निगलना नहीं चाहिए, क्योंकि पोविटॉप गार्गल को अंदर की तरफ निगलने की वजह से पेट से संबंधित गंभीर समस्याएं हो सकती है। इसके अलावा पोविटॉप गार्गल को अंदर की तरफ ज्यादा मात्रा में निगलने पर थायराइड की बीमारी, किडनी फेलियर व हार्ट फेलियर की समस्या हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को पोविटॉप गार्गल का उपयोग करते समय बहुत तेज जलन, खुजली या सूजन होती है, या ऐसी समस्या लगातार बनी रहती है, तो ये लक्षण पोविटॉप गार्गल की वजह से एलर्जिक रिएक्शन होने पर हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन होने पर तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि पोविटॉप गार्गल का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। थायराइड और किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए पोविटॉप गार्गल का उपयोग करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए किडनी की बीमारी और थायराइड की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को पोविटॉप गार्गल का उपयोग डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। लगातार 15 दिन से अधिक पोविटॉप गार्गल का उपयोग करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना लगातार 15 दिन से अधिक पोविटॉप गार्गल का उपयोग नहीं करना चाहिए। 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पोविटॉप गार्गल का उपयोग करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए 6 साल से कम उम्र के बच्चों को पोविटॉप गार्गल को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं देना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए पोविटॉप गार्गल का उपयोग करना सुरक्षित है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को किसी भी दवा को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को पोविटॉप गार्गल का उपयोग नहीं करना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका पोविटॉप गार्गल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।